कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम जहांगीर के साथ हैं। हम आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान गेट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सब को हमारे तरफ से अस्सलाम। तो गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग और बड़ी जबरदस्त किस्म का वीडियो आपके लेके आए हैं। और ये वीडियो जी इंडिया चाइना ने ना कुछ दिन एक दिन पहले मेरे ख्याल से इंडिया पर दोबारा से हमला किया था, जिस तरह गलवान वैली में हुआ था ना कि इंडियन सोल्जर्स के पास कुछ नहीं था, उन्होंने हमला कर लिया, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो वैसे ही हमला हुआ दोबारा, तो इंडियन सोल्जर्स ने इसे नाकाम बनाया। तो उसके बाद काफी बड़ी मीटिंग बैठी जिसमें अजीत डोभाल भी थे, तो उस बारे में ये बातचीत है। देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया जाता है और बाद में शुरू बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। गलवान का पार्ट टू नाकाम तो हो गया, लेकिन उसकी कोशिश भर ने भारत के अंदर पल रहे गुस्से को और भड़का दिया है। सीमा से लेकर नई दिल्ली तक बैठकों का दौर चल पड़ा है, मंथन हो रहा है आगे कैसी कार्रवाई करनी है, उसकी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। खबर है कि पैंगोंग झील में ताजा घुसपैठ की कोशिश के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग ली। मीटिंग में यह तय हुआ कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा, इससे लंबे संघर्ष की स्थिति में भी चीन से कड़ा मुकाबला किया जा सकता है और उसे मजा भी चखाया जा सकता है। वैसे इस बैठक में चीन को लेकर कई और मुद्दों पर भी मंथन किया गया। एक राष्ट्रीय चैनल ने यह दावा किया है कि 31 अगस्त की शाम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक की। इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि क्या चीन कहीं और से भी घुसपैठ और भारत के खिलाफ कहीं हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि चीन का चरित्र ऐसा है कि वो एक तरफ शांति और भाईचारे की बात करके ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ धोखेबाजी के लिए पूरी प्लानिंग तैयार किए बैठा रहता है। 31 अगस्त की शाम को एनएसए अजीत डोभाल ने एक हाई लेवल मीटिंग रखी थी। इसमें तय हो गया कि सैन्य ताकत बढ़ाई जाएगी और चीन को रोकने के लिए सेना के पास हर तरह का विकल्प खुला है। कई सालों से चीन को मॉनिटर करने वाले अधिकारियों की राय इस वक्त में खासा मायने रखती है। सुरक्षा एजेंसी इस वक्त में पूरी तरह से मुस्तैद है और बीजिंग की हर चाल पर उनकी नजर है। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि चीन किसी दूसरी जगह कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो और यह हरकत ध्यान भटकाने का जरिया हो। खबर के मुताबिक मीटिंग में इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड और आर्मी के सीनियर अफसर भी शामिल थे। ऐसा नहीं है कि चीन को लेकर अचानक सब कुछ हो रहा है, चीन से निपटने के लिए लगातार काम जारी है। बीते हफ्ते में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीरियस विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति और सुरक्षा को लेकर चर्चा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। सो गाइस, इस तरह तो मुझे लग रहा है कि जो है ना हालात मजीद भी, हम पिछली वीडियो में देखा कि बड़े हालात तो शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, पिछली वीडियो में कहा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जैसे चाइना की तरफ ज्यादा खराब थे, लेकिन चाइना की तरफ से तो अब सूरत हाल आ रही थी ना कि भाई हम सुलह करना चाहते हैं कि मिल बैठ कर जो है ना बात करें। यही तो बात किया कि सुलह करने का फायदा कोई नहीं है, धोखा दे देते हैं, इस वीडियो में बताया उन्होंने। हाँ, वही तो बात है। तो इस वीडियो में हमें यही बताया जा रहा है, मैं यही तो आपको बताने जो चाह रहा हूँ कि उस वीडियो में ये कहा जा रहा था और इस वीडियो के अंदर अब ये सूरत हाल है कि भाई इनका कोई पता नहीं है, पीछे से कोई चाल चल रहे हो, पीछे से कोई चाल चल रहे हो, धोखा दे दे और मुंह पे कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, तो ये सूरत हाल है। क्योंकि इंडिया के साथ पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि सुलह के बाद उन्होंने हमला करके 1963 की जंग थी, 1963 तब की जंग जो उनसे उन्होंने जीती थी, वो इस तरीके से जीती थी जब इंडिया रेडी नहीं था। तो इसलिए अब इंडिया हर तरीके से रेडी है कि अगर वो कह भी देते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, जैसे मर्जी दोस्त हैं, लेकिन फिर भी इंडिया हमेशा रेडी रहेगा इनसे लड़ने के लिए। तो ये बात है कि उन्हें एक बार सबक मिल चुका है, इस वजह से वो दोबारा इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते। हाँ, वैसे भी गलवान वैली वाला ये रिसेंटली मामला हुआ था ना, उसके बाद से भी जो है ना इंडिया थोड़ा सा अब जो थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है, हर मामले को देख रहा है। सही, इसलिए ये बैठकें हो रही हैं और मामलात को देखा जा रहा है और मजीद सैनिक जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और सैन्य ताकत बढ़ाई जा रही है।
सो गाइस ये थी वीडियो, आपको हमारा एक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड की वॉचिंग पाकिस्तान।